यूपी के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार आ रही हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36 घंटे के ऑक्सीजन बैकअप का निर्देश दिया है, जिसके चलते लखनऊ से बुधवार को ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन को बोकारो के लिए रवाना किया गया। दरअसल लखनऊ सहित प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ रहे ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड के बोकारो से मेडिकल ऑक्सीजन मंगाने की तैयारी की है, जिसके चलते राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन से बोकारो के लिए ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने के बाद गुरुवार तक लखनऊ पहुंचेगी, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और DRM संजय त्रिपाठी सहित कई आला अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। सर, क्या व्यवस्था है सर, इसका क्या ट्रायल कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ट्रायल ये कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के टैंकर ट्रेन पर चढ़ाकर जहां सप्लाई पॉइंट है वहां से ऑक्सीजन मंगा सके। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन इसको रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। आज शाम तक एक ट्रेन रवाना करने की कोशिश होगी, जिससे कि हम लोग झारखंड से और बंगाल की अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन को ला सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। उन्नाव और अलीगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से संक्रमितों की मौत की खबरें भी आई हैं। साथ ही लखनऊ के 3 अस्पतालों ने तो बाकायदा नोटिस चस्पा कर ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी और मरीजों को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।